पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। श्रेया, कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझे पहले जाना चाहिए था, एयरपोर्ट। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो फिर क्यों आई? जीजा जी का मैसेज आया था। जीजा जी ने मुझे मैसेज भी बोला कि आशा के एडॉप्शन को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। मैंने सोचा कि मैं आके थोड़ा हेल्प कर दूं, लेकिन यहाँ आके देखा तो सब ठीक है। वैभव ने शादी कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी कोई जरूरत नहीं है। ये हैं पेपर्स, हमारी शादी हो गई, अब तो एडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। सीरियसली, आई एम सो लकी कि मुझे वैभव जैसा इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। और देखो ना, शादी वाले दिन ही इतनी प्यारी बच्ची भी मुझे मिल गई। सीरियसली, आई एम सो ग्रेटफुल। कहीं खुशी के मारे रोने ही ना लग जाऊं मैं। आशा, बनोगी ना हमारी बेटी? थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, पापा। पापा, और ईशा को क्या बुलाओगी? बोलो, मम्मी। मम्मी। अब आप हैप्पी हो ना? देखो, अब मामा की भी शादी हो गई है और आशा दीदी अब आप ही के साथ रहेगी। यही चाहता था ना मेरा ध्रुव? देखिए, ये एडॉप्शन पेपर पे साइन कीजिए। माँ, लक्ष्मी माँ। बोलो सविता। माँ, माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब सी दुविधा में फंसी हूं मैं। बाहर जो हो रहा है उससे मैं खुश हूं या दुखी हूं? एक इंसान दुखी मन से खुश कैसे हो सकता है? माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये तुम मुझसे पूछ रही हो सविता कि मनुष्य एक ही समय में सुखी और दुखी कैसे रह सकता है? संपूर्ण जीवन एक स्त्री इन्हीं सुखों और दुखों को तो अनुभव करती है सविता। सर्वप्रथम जब उसके विवाह का अवसर आता है, तब उसे अपना घर छोड़कर जाने का दुख सताता है, किंतु अपने पति के साथ नया जीवन आरंभ करने की प्रसन्नता भी रहती है। जब वह मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है, तो सबसे पहले उसे संतान को जन्म देने की पीड़ा सताती है, किंतु अपनी संतान के जन्म के पश्चात उसकी मनमोहक किलकारी सुनकर अत्यंत प्रसन्नता का भी अनुभव करती है। और जब उसकी संतान के विवाह का अवसर आता है, तो वो ये सोचकर निराश हो जाती है कि अब उसकी संतान को उसकी आवश्यकता ही नहीं है। परंतु साथ ही साथ उसे इस बात की भी प्रसन्नता रहती है कि उसके संतान को एक सुयोग्य जीवन साथी मिल गया। तुम भी तो इन भावनाओं को कई अवसरों पर अनुभव कर चुकी हो सविता, तब तुमने क्या किया था? मां,
मैंने शादी करके जब इस घर में प्रवेश किया था तब इस परिवार को अपना बनाकर अपने दुख को सुख में बदल दिया था। संतान के प्रति अपने प्रेम में मैं उनको जन्म देने की पीड़ा भूल गई थी और अब उनके जीवन साथी को अपनाकर उन्हें अपनी संतान बनाकर मैं इस दुख को भी सुख में बदल दूंगी। मां, हमारा साइन हो गया। बधाई हो, आशा ऑफिशियली आपकी बेटी हुई। थैंक यू। मैं चलती हूँ। ये, अब आप यहीं पर रहोगी मेरे साथ हमेशा के लिए। ये। इतनी खुशी कैसे सहन कर पाऊंगी मैं? I'm so happy, oh wow. मेरी बेटी की शादी हो गई। मुझे एक लवली सन इन लॉ मिल गया। एक्चुअली मैं तो चाहती थी कि धूमधाम से शादी करूं, पानी की तरह पैसे बहाऊं, पर डोंट वरी मॉम, शादी वाला बजट आप फॉरेन वाले हनीमून वाले बजट पे शिफ्ट कर देना, है ना? वैसे ईशा स्विट्जरलैंड कैसा रहेगा? एक मिनट, मैं भी जाऊंगी स्विट्जरलैंड। या ऑफ कोर्स। और ध्रुव को भी साथ लेके चले, आएगा ना? हाँ, क्यों नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला ही चल लो साथ में हनीमून पे। ओके ओके, बाय द वे डॉल, मैंने तुम्हारे लिए खास ये केक मंगवाया, ऑफ कोर्स फॉर द लवली कपल। वाओ मॉम, ये शुगर फ्री तो है ना? ऑफ कोर्स माय डॉल, sugar free, gluten free and vegan cake specially curated for you. वैसे वैभव बेटा, you are so lucky, you got so lucky second time, your first wife was oh. But तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें ईशा से best wife कभी नहीं मिल पाती। I am so relieved कि तुम्हारी जिंदगी से वो selfish, arrogant तुम्हारी first wife हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। ये काका आंटी ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कितना मजा आता ना अगर ये पूरा केक इनके मुंह पर लग जाता तो। हाँ, अगर मेरे पास कोई मैजिक होता तो मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देती। चलो तो हम सब केक काटते हैं। यू हाथ घुमा के पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।